केजीएफ 2 की फाइनल रिलीज डेट। क्या प्रशांत नील की केजीएफ 2 उन्हीं की दूसरी बिग फिल्म सालार के साथ क्लैश करेगी? क्या पास्ट में भी एक ही डायरेक्टर की दो फिल्में आपस में क्लैश कर चुकी हैं? इंतजार के लंबे अरसे के बाद फाइनली इस साल की सबसे बड़ी फिल्म यानी कि केजीएफ 2 अब अगले साल की बड़ी फिल्म बनने वाली है। मेकर्स ने हाल ही में अनाउंस की है फिल्म की मच अवेटेड रिलीज डेट, जिसे पहले 2020 दिसंबर से फिर 2021 जुलाई कर दिया गया और अब जाके कहीं एक फिक्स और अचीवेबल डेट पर ये आ चुकी है। क्या है फिल्म की फाइनल रिलीज डेट और इस डेट पे फिल्म का मुकाबला हो सकता है किस महाबली से? जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी कि पंखुरी के साथ और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। केजीएफ 2 मेकर्स और रॉकिंग स्टार यश ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जब से रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है, तब से फिल्म का बज और भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। केजीएफ का मच अवेटेड चैप्टर 2 रिलीज होगा 13 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड वाइड, यानी कि फिल्म की रिलीज में अभी करीब करीब 7-8 महीने बाकी हैं। फैंस इस गैप को हालांकि ज्यादा माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिल्म 100% थिएटर कैपेसिटी में ही एंजॉय करने वाली फिल्म है, जो कि अप्रैल में डेफिनेटली हो सकती है। मगर इस रिलीज डेट के अनाउंस होते ही एक और इंटरेस्टिंग एंगल सामने आया है, जो कि है फिल्म का प्रभास स्टारर सालार के साथ महायुद्ध। प्रशांत नील की ही डायरेक्टोरियल सालार भी 14 अप्रैल 2022 के लिए एम की जा रही है, जबकि इन्हीं की केजीएफ 2 ने रिसेंटली इस डेट को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो क्या सालार और केजीएफ 2 का बिग क्लैश हो के रहेगा? और क्या प्रशांत नील अपनी ही दो फिल्मों को क्लैश करने में खुश होंगे? इसका एक्यूरेट जवाब जानने से पहले जान लेते हैं कि क्या एक ही प्रोड्यूसर की दो फिल्में पास्ट में कभी रिलीज हुई भी हैं या नहीं। वन डायरेक्टर टू साइमल्टेनियस रिलीज का ये संजोग काफी रेयरली ही देखने को मिलता है, जहां जून 29, 1984 में बॉलीवुड डायरेक्टर उमेश मेहरा ने अपनी दो फिल्में नेमली सोनी महिवाल और तेरी बाहों में को क्लैश करवाया था। इस आइकॉनिक मोमेंट ने इस साल 37 साल पूरे कर लिए। वहीं इसके बाद प्रियदर्शन ने भी 2005 दिवाली रिलीज पे अपनी दो फिल्में क्लैश करवाई थी, लेकिन एक दिन के गैप के साथ, जो कि रही थी गरम मसाला 2 नवंबर को और क्योंकि 3 नवंबर को। इन सब के बाद अगर केजीएफ 2 और सालार बॉक्स ऑफिस पे क्लैश करती हैं, तो ये इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैश बन सकता है। मगर ये क्लैश होने के चांसेस काफी कम ही लग रहे हैं। सालार और केजीएफ 2 दोनों ही फिल्में बिग पैन इंडिया रिलीज है और ऊपर से एक ही क्रिएटर यानी कि प्रशांत नील ने इन्हें काफी मेहनत से बनाया है, इसलिए ये चाहेंगे नहीं कि अपनी ही दोनों फिल्मों को आपस में भिड़ाना पड़ जाए। वैसे भी सालार की रिलीज डेट रिवाइज नहीं है और इसकी शूटिंग पेंडेमिक डिले के चलते भी काफी बची हुई है, इसलिए प्रॉबेबली ना तो अप्रैल तक सालार पूरी तरीके से बन पाएगी और ना ही ये केजीएफ 2 के साथ टक्कर लेती दिखेगी। आपका क्या मानना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करते जाइए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।